सबसे पहले हमें अपने आप को एनालाइज करना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। कोई शख्स है बहुत अच्छा गा सकता है, कोई शख्स है जो बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई शख्स है जो बहुत अच्छा नाच सकता है, कोई शख्स बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। ये तमाम क्वालिटीज अल्लाह ताला ने हर किसी में डाली हुई है, कहीं ना कहीं यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज क्वालिटीज। अच्छा आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लें, स्टार्ट पॉलिशिंग दैट स्ट्रेंथ। तो हम कहोगे जी मैं ये काम नहीं, हम अक्सर ही होते हैं ना, कभी हम कहते हैं किसी को चले जो पेपरा चीज में स्पीच है, फिर नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मुझे नहीं आता स्पीच, हर किसी को एवरीबडी कैन गिव अ स्पीच। बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट दैट पैशन। आप बयान कर रहे थे कि पैशन, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया श्री पराग का, तो मोहब्बत में जिंदगी बस कर दी, लेकिन हमने तो देखिए कुछ कर गुजरना है। आपको अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। अक्सर हमने देखा मेरी वादा लगती थी कि मैं डॉक्टर बन सकूं, कि मेरा घर इंसिडेंटली आप हॉस्पिटल के सामने है, तो हमेशा से कहती थी मेरे साथ ही डॉक्टर बनू। आप क्योंकि मैं एंटर ओनली शायद मेरे और कोई भाई बहन नहीं है, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, सो आई मेड श्योर आई बिकेम अ लॉयर बिकॉज दैट इज समथिंग आई वॉन्टेड टू डू। जिंदगी मैंने गुजारनी है और मैंने उसे प्रोडक्टिवली गुजारनी है, तो फैसला मैंने करना है। हम बैठते हैं तमाम लोगों की सुनते हैं, लेकिन इवेंचुअली हम हमें करना वही है जो हम चाहते हैं करना। लेकिन एक चीज हमारे मजहब में भी कही गई है, हमारे वालदैन भी हमें बताते हैं, हमारे टीचर उस्ताद भी हमें सिखाते हैं कि हमेशा सही और गलत का फैसला आपने खुद करना। यू हैव टू मेक डिसीजन इन लाइफ, यू हैव टू मेक चॉइसेस इन लाइफ। हर मोड पर जिंदगी में आपको चॉइसेस मिलेंगी, क्या आप चूज करते हैं ये आपके ऊपर। किस तरीके से, एक वो शख्स है जो बस डूबते नहीं अपनी बात बनवाना चाहता है, एक वो शख्स है जो कलम की ताकत से अपनी बात बनवाना चाहता है, एक वो शख्स है जो जद्दोजहद करना चाहता है, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है, लोगों में बात करके अपनी बात बनवाना चाहता है। यू हैव टू मेक दोज चॉइस। तारीख ने आपके सामने एग्जाम्पल्स छोड़े हैं, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और मैं अक्सर ये चीज सुनती हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म नहीं देती। अभी चंद रोज पहले स्टीव जॉब उसका इंतकाल हुआ, क्या गवर्नमेंट ने उसे सपोर्ट किया? 21 साल का वो लड़का था, अपने दोस्त के साथ अपने ही गैरेज में उसने इन्वेंशन करी। गवर्नमेंट सपोर्ट है, नोबडी सपोर्ट है, बट ही बिलीव इन हिमसेल्फ, ही बिलीव वॉट ही वॉज डूइंग एंड ही मेड इट। तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूं, और मैं क्योंकि आप इतने युवा यंग सोशल रिफॉर्मर यूनिवर्सिटी में है, आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, यू गेट इन टू प्रोफेशनल लाइफ, बिलीव इन वॉट यू। जरूरी नहीं कि जब आप कहेंगे कि मैंने ये काम करना है और मैं ये समझता हूं या मैं ये समझती हूं, तो हर कोई कहता है क्या बात है जी, आपको बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, हम सब आपको काम कर रहे हैं। देयर आर ऑलवेज यूज़ कभी आपको